फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खेमाज ब्लॉग। सो संडे की मॉर्निंग मैं उठ गई हूँ। टाइम क्या हुआ है? सुबह 8:30 नौ बजे हैं, तो लेट हो गया उठने में। और अब मैं करूँगी योगा, बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना फेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो योगा करने से ना लॉन्ग विलोंग वगैरह वो काफ़ी हद तक मेरा फेस जो है वो ठीक रहता है। तो ये मैंने अपनी रूटीन बनाई है, क्योंकि बीच में मैंने ये रूटीन अपनी तोड़ दी थी। तो फेस अब आप देख सकते हो थोड़ा ग्लो भी आ रहा है। तो योगा कर रही हूँ मैं, विंडो मैंने खोल ली है। बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज बाहर ठंड होगी। मैंने विंडो खोल ली है, रूम में बैठे बैठे मतलब फ्रेश एयर आएगी, देन मैं योगा करूँगी। देन उसके बाद का प्लान देखते हैं क्या है। ब्रेकफास्ट का कुछ फास्ट ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और बाहर का थोड़ा अवॉइड ही करा हेल्थ इशू की वजह से, थोड़ा खाना जो है। तो देखते हैं, पहले योगा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आफ्टर योगा ये हमने रखा है कि हम ड्राई फ्रूट जैसे कि आलमंड्स जो मैंने छील के रख दिए हैं, वॉलनट्स हैं, अंजीर है, ये हम अपने सुबह की मॉर्निंग डाइट पे हमने रखा है कि हमने अर्ली मॉर्निंग ये खाने हैं। और उसके बाद हम गर्म पानी मैंने करके रख लिया है, गर्म पानी हम पियेंगे। तो ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ये चीज़ें, ये बहुत ही अच्छी हैं आपकी हेल्थ के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, यू कैन सी इन यूट्यूब। एंड इस तरह की अच्छी डाइट को फॉलो अगर आप करना चाहते हो तो आपको मेरे वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, लेट बहुत हो चुका था, 9 बज चुके थे जैसे कि उठने में। तो इसीलिए ये डिसाइड किया है कि हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे पोहा, बिकॉज ये बहुत जल्दी बनता है। गरम पानी से मैंने निकाल दिया हुआ है, अब बस इसको हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं तैयार कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 5 मिनट लगते हैं इसको सारा बनने में। तो और इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो अगर आपको जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए और हेल्दी चाहिए तो पोहा इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्विक ईजी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो पोहा। पोहे के साथ वैसे चाय भी चलती है, बट हमने यहाँ पे दही रखा है। देन इसमें पोहा, इसमें पीनट डालना मैं भूल गई हूँ, भूल नहीं गई हूँ, एक्चुअली थी नहीं, तो अभी बाहर जाने का टाइम लगा नहीं। तो ब्रेकफास्ट इज डन, अब रूम की सफाई करनी है। ठहर के करती हूँ बिकॉज सुनील जा रहे हैं ऑफिस, उसके बाद ही मैं सफाई करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज संडे वाले दिन भी ये जनाब ऑफिस जा रहे हैं, जबकि आज संडे था, कहीं बाहर जाते तभी तो मेरा मन नहीं करता यार जॉब करने का। जब किसी का कुछ भी ऑर्डर आया, कॉल आया, भागो ऑफिस, दौड़ो ऑफिस किसी के ऑर्डर के आगे काम करना। तो इसीलिए मैं अपना ही स्टार्टअप करने का सोचूंगी फ्यूचर में, मैं जॉब नहीं करूंगी लेकिन सीरियसली। मैं चलो देखते हैं फिर आज पूरा दिन क्या किया जाए, बिकॉज ये तो जा रहे हैं ऑफिस, तो हम रहेंगे रूम में, क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 12 बज गए हैं और अभी मैं नहाई हूँ, बिकॉज संडे था, आराम से उठे, सब काम आराम से किया, रूम क्लीन किया मैंने, फिर उसके बाद बर्तन भी थे वॉश करने वाले, देन अभी मैं नहाई हूँ, टाइम मिला 12 बजे, देन मैं फ्रेश हो गई हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा फ्रेश होके। तो अब क्या किया जाए, लैपटॉप मैंने खोल दिया अपना, तो बोर होने से बेटर है कुछ किया जाए। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, जैसे कि सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। उस टाइम मैं काम करके, अपने फ़ोन और लैपटॉप पे काम करके मैं सो गई थी, और ये 4 बजे आए ऑफिस से, और हम बस रजाई से निकले ही नहीं, बिकॉज आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बादल बादल थे। तो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो हम जा रहे हैं मार्केट कल के लिए सब्जी वगैरह ले आएंगे। और जैसा कि आज मैंने लंच नहीं किया बिकॉज अकेली थी, आलस भी किया और इतनी भूख भी नहीं थी, तो अभी बाहर से कुछ खा लूँगी हल्का फुल्का, उसके बाद फिर डिनर बनेगा और चलते हैं अभी मार्केट में। सो
मैं बाहर से आके मार्केट से सब्जी वगैरह सब ले आके अब मैं रूम में पहुंच भी गई हूँ, बड़ी देर की पहुंची हुई हूँ। मैंने उसके बाद फिर खाना बनाया और वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहा। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो खाना रेडी हो गया है। ये मैंने बनाई है तरीदार गोभी की सब्जी और ये मैंने बनाए हैं राजमा, क्योंकि खाने का बहुत मन हो रहा था। राजमा काफ़ी टाइम से नहीं हमने खाए थे। सैलेड है, प्लेट्स और चावल अभी आ रहे हैं, कुकर में है गरम गरम, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा। तो गाइज अब हम खाना खाने वाले हैं, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। थैंक यू।